दोस्तों हम आज एक्सप्लोर करेंगे हेवन ऑफ कर्नाटका, मतलब कि होनावर। हम करेंगे इधर बोटिंग एक्टिविटी और देखेंगे फेमस केरला पॉइंट। फिर हम जाएंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट बोट वॉक, जो कि बहुत ही वायरल लोकेशन है। फिर हम जाएंगे हैंगिंग ब्रिज, जो कि एक हिडन प्लेस है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में बहुत सारे सिनेमेटिक शॉट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज हम जा रहे हैं होनावर, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट से भरा हुआ है, केरला से कम नहीं है। तो हम आज उधर जाएंगे। और कल हमने बहुत पूछा स्कूबा डाइविंग का, इधर स्कूबा डाइविंग होता है बहुत, नेत्रायणी आइलैंड करके है उधर स्कूबा डाइविंग होता है, बहुत जगह पर पूछा, लेकिन सब इधर की बोटिंग ही बंद है पूरी की पूरी। मतलब सब वाटर स्पोर्ट्स सब बंद हो चुका है अभी। क्या मालूम हमारा नसीब साला क्या अनोरा हमारा नसीब ही खराब था। हमने बहुत पूछा, बहुत ट्राई किया, 4-5 कांटेक्ट किए, तो नहीं हो पाया। अभी हम जा रहे हैं होनावर। होनावर का आपको डायरेक्टली जाकर ही दिखाता हूँ सब सीन्स। आप देखिए बहुत अच्छा अच्छा व्यू है होनावर में, तो चलिए चलते हैं। और अभी सब पैकिंग हो गए, देख सकते हो सब रेडी है। अनुराग रेडी? अनुराग यस लेट्स गो। चलो चलो गाइस, देख ले मिलते हैं होनावर में। अभी इधर से सिर्फ मुरुडेश्वर से होनावर सिर्फ 30 मिनट का रोड है, मतलब 27 किलोमीटर है। तो आधे पौन घंटे में आप पहुंच जाओगे। बहुत अच्छे अच्छे व्यू है, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो हमारी बाइक अभी रेडी हो चुकी है, अभी बैग नहीं पैक करेंगे हम, अभी होनावर जाकर उधर ही लॉकर वगैरह देख रहेंगे और फिर घूमेंगे। चलो अनुराग, से बहुत ज़्यादा वजन उठवाए हुए, जल्दी चलो। इसका साइज देखो, उस बैग की साइज देखो। सॉरी भाई सॉरी। प्राइवेट बोट चाहिए? दो लोग शेयरिंग में चाहिए? कनाडा में हम लोग पुणे से आए हैं, तो आप भी बोट प्रोवाइड करते हो यहाँ पे? कहाँ कहाँ का राइड दोगे आप? मिनी लोटस, लोटस केरला पॉइंट। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ मुरुडेश्वर से होनावर आप कैसे आ सकते हो। बहुत ही सिंपल है, होनावर में रेलवे स्टेशन भी है, तो आप डायरेक्टली ट्रेन से या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से भी आ सकते हो। इधर बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छी खासी है। इसी तरह से आप मुरुडेश्वर से होनावर इजीली आ सकते हो। हम पहुँच गए होनावर में, हम बोट राइड करने वाले हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा बोट में बैठने के बाद ही। देख सकते हैं इधर हमने बाइक पार्क की है, और आजू बाजू का एरिया देखो भाई, ये किसी केरला से कम नहीं है। आगे आगे देखोगे आप, अभी देखते हैं। इधर देख सकते हो सब बोट लगी हुई है, ये देख सकते हो पूरा रोड। बहुत खूबसूरत व्यू मिलने वाले हैं गाइस, तो वीडियो में बने रही है। देख सकते हो ये सब चीज़ें लेकर हम अभी बोट में बैठने वाले हैं। और हमने किया है पर्सनल बोट पूरा दो लोगों के लिए, उसका चार्जेस है 1500। हम शेयरिंग से तो नहीं जाने वाले भाई, क्यों? पूरा का पूरा बोट ले लिया है हमने, दो ही लोग जाएंगे। और इधर देख सकते हैं बोट, और व्यू देखो गाइस। अभी इधर धूप लग रही है, इसकी वजह से टेंट लगा रहे हैं बोट को हमारी। अरे देखो ये हमारी बोट है, इसमें जाएंगे हम। गाइस देखो ये भैया हमको मिले थे, वो बहुत हेल्प किया, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे अभी। 9103889890। इसको इनको कॉन्टैक्ट करके आ जाओ, बहुत अच्छे भैया है, सब प्रोवाइड करवा देंगे। इधर का स्टे का भी होगा ना आपके पास? स्टे का वगैरह हो जाएगा? सब हो जाएगा। बाइक भी है, और स्टे का चाहिए तो स्टे भी चाहिए, बाइक रेंट वगैरह स्टे का सब कुछ हो जाएगा। ये रिजॉर्ट भी है, रिजॉर्ट भी मिल जाएगा गाइस। तो चलो हम अभी चलते हैं। कपल दिख रहा है और हम दोनों ही जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है।
हेवन ऑफ कर्नाटका मतलब कि होनावर, ये फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए और यहाँ की बोटिंग एक्टिविटी के लिए। अगर आप कर्नाटका में आते हो तो इस प्लेस को विजिट किए बिना मत जाना, सच में इधर के ब्यूटीफुल व्यू लाजवाब है। यहाँ पर आप किसी भी सीजन में आ सकते हो, हर सीजन में ये इतना ही खूबसूरत देखने के लिए मिलेगा। बोटिंग करने के लिए बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग में। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ की बोटिंग कॉस्ट है फॉर 2 पर्सन 1500 और ये सीजन टू सीजन चेंज होते रहता है। शेयरिंग से जाना चाहते हो तो 600 पर पर्सन तक आपको मिल जाएगा। अभी जो आप देख रहे हो ये है केरला पॉइंट, जो कि सेम केरला के एलपी में है, इसी वजह से इस पॉइंट को केरला पॉइंट ऐसा नाम दिया गया है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये देख सकते हो गाइस, इधर लोग रहते भी है बीच पानी में, चारों तरफ से पानी है और इधर लोग रहते हैं, और इधर के लोग कोकम वगैरह भी बेचते हैं, तो एक बार बोट रुका के एक बार जरूर ट्राई करना इनका कोकम, होममेड रहता है पूरी तरीके से। अभी हमारी बोट राइड हो गई ख़त्म, बहुत मज़ा आया, आपने देखा है होगा सिनेमेटिक शॉट्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस। और इधर से हम जा रहे हैं अभी बोर्ड वॉक पे, जो कि होनावर का बहुत ही ज़्यादा फेमस और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा फेमस है उस स्पॉट पर, तो चलो चलते हैं गाइस। अभी हम पहुँचे बोर्ड वॉक पे, इधर पीछे देख सकते हो बोर्ड वॉक है, और इधर हमने वाटरमेलन जूस पिया, बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है तो पानी बहुत ज़रूरी है, लेमन सोडा वगैरह पी लो हर जगह। और इधर हमने बैग भी इधर ही रखी है, थोड़ा रिक्वेस्ट किया नहीं रख रहे थे, लेकिन हम पॉसिबल नहीं इतना सारा सामान लेकर अंदर जाइए, तो देख सकते हो फिर भी हमने सब गाड़ी पर ही रखा है। अभी हम अंदर चलते हैं इधर से, आप इधर देख सकते हो 10 रुपये एंट्री फीस है, और इधर से हमें जाना है अंदर, देखो इधर 10 रुपये एंट्री फीस है, और देख सकते हो इधर से जाना है हमें अंदर, और अंदर जाकर मैं दिखाता हूँ बाकी का। देखो इधर बोर्ड लिखा है सेव मैनग्रोव, चलते हैं अंदर। इधर हमको टिकट निकालना है 20 रुपीस, देख सकते हो हमें एंटर कर चुके हैं। अभी दिखाता हूँ मैं इधर के सिनेमेटिक शॉट्स थोड़ा बहुत। अभी हम आए हैं दोस्तों होनावर का फेमस मैंग्रोव बोर्ड वॉक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। इंडिया में सिर्फ ऐसे 10 ही मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट में से एक है। और इधर का मैंग्रोव फॉरेस्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इधर के लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता है, और फॉरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखा गया है। अगर आपने मुंबई में देखा होगा तो सब गटर का पानी छोड़ा हुआ है, तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए अगर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखना है तो इस प्लेस को विजिट जरूर करिए गाइज। अभी थोड़ा हम आगे आएंगे, उधर से ही हम आने नहीं वाले थे एक्चुअली, लेकिन आ गए, देख सकते हो। और आगे आने के बाद ये लगा है, वर्थ इट नज़ारा देखो, देख सकते हो बहुत खूबसूरत है। और इधर आपको फिश भी देखने के लिए मिलेंगे नीचे बहुत सारे, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, वर्थ इट है। थोड़ा ही आगे आने के बाद ये लगता है, अच्छा हुआ हम आगे आए, नहीं तो मिस हो जाता सच में। देख सकते हो एक राउंड बना हुआ है पूरी तरीके से। एक अलग लोकेशन पे जिधर बहुत कम लोग जाते हैं, और दिखाता हूँ मैं अभी आपको हैंगिंग ब्रिज, देख सकते हो कितना खूबसूरत है, और इधर भीड़ भी नहीं है, बहुत अच्छा है, चारों तरफ पानी, नारियल के पेड़ देख सकते हो, और ये हिल रहा है पूरे। अब चलते हो ना, ऐसे 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 हिलते हो, बहुत मज़ा आ रहा है। एक कुछ तो अलग है, मतलब
देख सकते हो हमारे सिवा इधर कोई नहीं है ज़्यादा, हम ही दोनों है। तो एक नया प्लेस एक्सप्लोर हो गया है जो कि हिडन है, तो आप आ सकते हो। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी हम आ गए गोकर्ण में, होनावर का आपने देखा ही होगा व्लॉग। होनावर में और इको बीच करके भी है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने इसमें नहीं किया क्योंकि हमारा टाइम लिमिट है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं क्योंकि बाइक राइड पर आए तो 3 दिन में कवर करना है सब कुछ। देख सकते हो पीछे हमने रूम लिया है, उसकी डिटेल्स मैं अगले व्लॉग में दे दूँगा। गोकर्ण का व्लॉग अलग से आने वाला है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो, या आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।